राम राम जी, राम राम जी, राधे राधे, राधे राधे। तो फिर क्या बन रहा है आज? घिया के कोफ्ते। वाह, घिया के कोफ्ते, घिया के कोफ्ते। चलो तो ये घिया छिली जा रही है। हाँ जी, हो गए कोफ्ते। अरे ये तो अभी तुम पानी निकाल लो इसका। पानी निकाल दो इसमें। ये हरी मिर्च डालोगे इसमें? तीखी तीखी। बेसन, डायरेक्ट बेसन डाल दिए। ये आ गए हमारे मसाले, फ्रेश मसाले। धनिया पाउडर मिला थोड़ा सा। तुम्हारा भी कोई सीक्रेट पाउडर है क्या? नहीं, जैसे और लोग बोलते ना कि सीक्रेट पाउडर डाला। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। हाँ। हो रही है मिक्सिंग, हो गई है। प्याज जिसे कांदा भी बोलते हैं, प्याज, प्याज ही। बारीक प्याज कटी? बारीक। तो चॉपर से भी हो सकता है ना, हाथ से क्यों काट सकते? तेरी आग में लगा। ये तेल में बनाओ कच्ची गनी, जो कोलू वाला तेल। ये आ गया कोलू वाला तेल, कोलू से निकाला वो। शुद्ध सरसों का तेल। सारी तैयारी हो गई है, बस अब इंतजार है कोफ्ते तलने का। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। चलो जी, ये आ गए हमारे कोफ्ते फ्राई होने का। वाह, ये कोफ्ते बन के तैयार है। अभी टाइम है इसमें जी? टाइम है इसमें। अच्छा, कब तक पकाना है इसे? ब्राउन होने तक। ब्राउन होने तक। ये आ गए जी हमारे कोफ्ते। ये आ गए हमारे कोफ्ते, एकदम ब्राउन। चलो जी, ये बन गए हैं कोफ्ते। ये लग गई कढ़ाई, अब इसमें बनेंगे कोफ्ते। सब्जी बनेगी इसमें? कोफ्ते भी बनेंगे भाई? सब्जी बनेगी। तड़केगा सारे इंग्रेडिएंट, लहसुन, इसमें बनेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तालों में राई, हाँ, जीरा, अजवाइन, मिट्टी सौंफ और मेथी दाना। यहाँ खड़े मसाले। ये आ गया प्याज, ये आ गया पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तो टमाटर ग्राइंड होगा। कितने टमाटर डाले इसमें? 4 मीडियम। कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए। स्टार्ट। चलो, ये हो गया हमारे टमाटर ग्राइंड, बढ़िया से ग्राइंड हो गया है। इसे टमाटर
लो जी, ग्रेवी में अब डालेंगे मसाले, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च। चलो जी मसाले डल गए, अब मसालों को पकाया जाएगा धीमी आंच पे और इसे ढक के पकाया जाएगा। कितनी देर? पाँच मिनट। डिम आंच पे। ये कौन सा मसाला डाल रहे हो? इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, आप इसमें सकते खाना नहीं खाना, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको स्वाद ज़्यादा चटपटा चाहिए तो ये डालें। बढ़िया, ये तो पता ही नहीं था। देखिए हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसमें पानी ऐड किया जाएगा पानी। ग्रेवी को पतला करने के लिए? अच्छा, अपने हिसाब से जितना चाहिए, अगर कम चाहिए तो कम पानी, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। अच्छा, ये पानी डाल दिया हमने तो इसको और कितनी देर पकाना? 5 से 7 मिनट। डिम आंच पे, ये ढक दिया है। लो जी, इसमें कुछ डालना है। अच्छा, कोफ्ते डाल के फिर पकाएंगे थोड़ा और। कितनी देर और पकाएंगे? बस 5 मिनट। 5 मिनट में हमारे कोफ्ते की सब्जी हो जाएगी तैयार। हमारी सब्जी हो गई तैयार, अब ये डाल रहे हैं हरा धनिया, सेहत से भरपूर। चलो जी, ये लग रही है हमारी थाली, चावल डाले जा रहे हैं। ये हमारे कोफ्ते, सलाद, ये आ गया अलग से एक्स्ट्रा। ये बन रही है गर्मा गर्म रोटी, ये बिल्कुल फुल ट्रेडिशनल। पहले चूल्हा था, अब गैस ने शक्ल ले ली है इसकी। ये आ गई हमारी गर्मा गर्म रोटी, उस पर आ गया है देसी घी ढेर सारा, अचार, आम का अचार, होममेड। ये लग गई है हमारी पूरी थाली, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। आज का हमारा रात का डिनर, हम इसको टेस्ट करते हैं। मज़ा आ गया। अब चावल का टेस्ट करते हैं कैसा बना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम इसको खा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय राम जी की, राधे राधे।